फिर सरकार पलटी, जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील करने लगे, लोग ठहर गए। आज कई इन्वेस्टर आपस बैक हो रहे हैं बिहार में, लेकिन जिस तरह के यहाँ का माहौल है, यहाँ के सरकार के नियत में खोट है। अपराधी भ्रष्टाचारी को जिस तरह से संरक्षित करती है, उसके कारण इसकी परेशानी बढ़ती है और ये कहीं न कहीं अपने आजादी के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्ट बिहार के अंदर हुआ, देश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय। और जब से श्रीमान लालू प्रसाद यादव आए, जंगल राज की ओर मुड़ा बिहार। इन्वेस्टर यहां से पलायन करने कि ये लोग अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और ये बिहार के नौजवानों को बेरोजगार बनाने। देखिए बिहार के अंदर पूरे देश से बेहतर माहौल, कुशल श्रमिक, वाटर रिसोर्स और लैंड भी है, सब चीज है, लेकिन बिहार का वातावरण जो बिगड़ा आजादी के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्ट बिहार के अंदर हुआ, देश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय। और जब से श्रीमान लालू प्रसाद यादव आए, जंगल राज की ओर मुड़ा बिहार। इन्वेस्टर यहां से पलायन करने लगे और जब फिर एनडीए की सरकार बनी तो लोगों को विश्वास जगा, इन्वेस्ट करने के लिए लोग आकर्षित भी हुए, लेकिन श्रीमान नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा बिहार के निवेशकों के कदम को रोक दिया। जंगल राज वाले का फिर से आगमन और वो जब जब आए हैं बिहार के अंदर, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। परिणाम है कि इन्वेस्टर कहीं न कहीं अनुकूल वातावरण से हट करके ठहर जा रहे हैं। इसके पहले भी हमारे उद्योग मंत्री शहनवाज जी के समय में भी इन्वेस्टर मीटिंग हुआ था, आए थे लोग, माहौल इथेनॉल का कई फैक्ट्री लगने का। फिर सरकार पलटी, जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील करने लगे, लोग ठहर गए। आज कई इन्वेस्टर आपस बैक हो रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं। बहुत सारे बिहार के इन्वेस्टर हैं जो बाहर में बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, उनकी इच्छा भी है बिहार में, लेकिन जिस तरह के यहाँ का माहौल है, यहाँ के सरकार के नियत में खोट है। अपराधी भ्रष्टाचारी को जिस तरह से संरक्षित करती है, उसके कारण इसकी परेशानी बढ़ती है और ये कहीं न कहीं अपने को बैक करते हैं। और इसके लिए पूरी तरह से बड़े भाई लालू यादव और नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं और इन दोनों को रहते कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और ये बिहार के नौजवानों को बेरोजगार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब तक निवेशक निवेश नहीं करेंगे, रोजगार का अवसर नहीं बढ़ेगा, तो कैसे बेरोजगारी मिटेगी? इसके लिए बड़ी जिम्मेवारी है कानून का राज स्थापित करना और भ्रष्टाचार को रोकना।